मुझे एक बात याद आ गई, बचपन में हमने भी बहुत पीती थी, बहुत योगा किए और कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी की जो आजकल सर्कस वगैरह में देखा। एक महाराज थे योगी बाबा, एक आसन को खत्म हो गया और बच्चों को शिक्षा दिया करते थे, जैसे आप यहाँ शिक्षा लेने आते। एक दिन क्या बोले, बाबा जी अपने चेले को चलो कहीं चलते हैं। चलते चलते ध्यान हो गई, उनको भूख लगे और प्यास भी। देखा एक छोटा सा मकान का दरवाजा खुला हुआ है, आवाज लगाई, एक बुजुर्ग आदमी निकल के आया। उन्होंने बताया हम मुसाफिर हैं, हमें खाना और रात को रहने के लिए जगह चाहिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसे कि किया है जैसा हम खाते हैं आपको मिल जाएगा, आराम से यहाँ सोइए और सुबह चले जाना। क्या होता है जब खाना खा लेते हैं तो बात चलती है। वो बाबा पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं। मेरे चार बच्चे हैं। और जमीन कितनी है, 10 एकड़ जमीन है, करते क्या हो। जमीन में मैं कुछ नहीं करता, उसमें तो कटीली झाड़ियाँ खड़ी हैं। मेरे पास एक भैंस है जो 5-6 किलो दूध दे देती है, 2 किलो सुबह बेच देता हूँ, 2 किलो शाम को, इससे मेरे बच्चों को रोटी मिल जाती है। महाराज चुप हो गए। जब सारे सो गए, रात को 2 बजे उठते हैं और अपने चेले को उठाते हैं, बोलते हैं चल इसकी भैंस को खोल के लेके चलते हैं। चेला कुछ नहीं बोला, अंदर अंदर गुस्सा भी आया, लेकिन गुरु के सामने कैसे बोले, वो नहीं चले। पहाड़ी रास्ता था, ऊपर से धक्का दे दिया तो मन उस चेले को मन में बहुत पीड़ा हुई, जिसने हमें रात भर रखा, खाना खिलाया और हमने उसकी भैंस चोरी करके मार दी, जिससे वो गुजारा कर रहा था। लेकिन हिम्मत नहीं हुई अपने गुरु से पूछ ले। उसके बाद दिन बीतते गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उस चेले के मन में यही पीड़ा सह रही थी कि मेरे गुरु ने पाप किया है तो मुझे भी लगा होगा। कई साल हो गए, उसने मन में सोचा मैं वहाँ गुरु से मिल के आऊँगा। तो वहाँ वो जाता है, वहाँ पर वो चीज मिलती नहीं उसे, एक बढ़िया मकान और चारों तरफ खेत में फूल ही फूल। वो सोचने लगा हो सकता है वो बूढ़ा अपनी जमीन बेच के चला गया, लेकिन कुदरती बूढ़ा उस मकान से निकलता है तो वो लड़का उसको पहचान लेता है, पूछता है चेला से बाबा जी यहाँ तो एक झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई। तब वो क्या बोलते हैं कि मेरे पास एक बाबा जी आए थे, एक मेरा चेला आया था, रात को रुके थे, सुबह मेरी भैंस मिली नहीं, दो दिन हम रुके रहे, तीसरे दिन क्या किया हमने उन गंदगी झाड़ी का
काटी और मार्केट में बेच रहे, उससे गुजारा हुआ। फिर हमने परिश्रम किया,